हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में, और कौन सा बैंक क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, और कौन सा बैंक में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग पा सकते हो। और मैं आप लोग को मैच्योरिटी कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कौन सा बैंक में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो और आपके लिए फायदा है, कौन सा बैंक आप लोग को ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। लास्ट में आप लोग को मैं बताऊंगा सो दैट आप लोग अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट जो है वो जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोग को 6 मंथ का टेन्योर के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SBI, PNB और नॉर्मल सिटीजन का जो यहाँ पे रेट चल रहा है SBI में 5.25 फॉर 6 मंथ के लिए, ठीक है, और सीनियर सिटीजन केस में 5.75, और PNB में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5.50 और सीनियर सिटीजन केस में 6%। और अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो 5 लाख, ठीक है, और ध्यान रखना है मैं 5 लाख के लिए कैलकुलेट किया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग अपना अमाउंट के लिए जानना चाहते हो देन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो अमाउंट मैं आप लोग को कैलकुलेट करके बता दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोग 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, फॉर SBI और PNB केस में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉर्मल सिटीजन जो है यहाँ पे आप लोग को मिलेगा 5,13,211 रुपीज, और ये जो रेट मैं बताने जा रहा हूँ ये क्यूमुलेटिव रेट बता रहे हो। ठीक है, मतलब आप लोग को एक ही टाइम में मिलने वाला है। अगर आप लोग मंथली, क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पे चाहते हो देन आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को डिटेल में बता दूंगा कितना आप लोग को मिलेगा फॉर दैट डिजायर्ड अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे सीनियर सिटीजन केस में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5,14,478 रुपीज यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है। PNB में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5,13,844 रुपीज और सीनियर सिटीजन केस में 5,15,112 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग PNB में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर 6 मंथ के लिए, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को PNB अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन में आप लोग देख सकते हो 500 से 600 रुपए आप लोग एक्स्ट्रा मिल रहा है, और सीनियर सिटीजन केस में अराउंड 800 से 900 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो PNB बेस्ट है करेंटली, ठीक है, इन अमोंग SBI एंड PNB। ठीक है, और अभी मैं बताने जा रहा हूँ टेन्योर 1 ईयर का, तो SBI, PNB, ठीक, नॉर्मल सिटीजन के लिए जो रेट चल रहा है 6.10 और सीनियर सिटीजन केस में 6.60, और PNB में नॉर्मल सिटीजन के लिए 6.30 और सीनियर सिटीजन केस में 6.80। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.20 का इंक्रीमेंट है, ठीक है, PNB में, और नॉर्मल सीजन के लिए भी 0.20 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, और अभी जान लेते हैं अगर आप लोग 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉर्मल सीजन में SBI में 5,31,204 रुपीज इन 1 ईयर, और सीनियर सीजन केस में 5,33,825 रुपीज इन 1 ईयर, और PNB में 5,32,252 रुपीज और सीनियर सीजन में 5,34,876 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग 1 ईयर का फिक्स डिपॉजिट ओपन करने जा रहे हो तो डेफिनेटली PNB बेटर ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन दोनों केस में इंटरेस्ट रेट जो है 0.20% का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। ठीक है, और SBI में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम मिलेगा आप लोग को, तो डेफिनेटली आप लोग चॉइस कीजिएगा फॉर 1 ईयर पंजाब नेशनल बैंक। और मैं अभी बताने जा रहा हूँ 2 ईयर के टेन्योर के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SBI नॉर्मल सिटीजन का जो रेट चल रहा है 6.25 और सीनियर सिटीजन केस में 6.75 और PNB में 6.25 और सीनियर सिटीजन केस में 6.75। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों केस में सेम इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग को कितना कितना मिलेगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फॉर नॉर्मल सिटीजन 5,66,026 रुपीज यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है, और सीनियर सिटीजन केस में 5,71,624 रुपीज। ठीक है, सेम है, ठीक है, फॉर PNB ऑल्सो। तो यहाँ पे 2 ईयर के लिए टेन्योर के लिए अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कोई भी बैंक चलेगा। ठीक है, PNB हो या SBI हो, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो मैं इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप लोग को जो रेट जो मिलेगा वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हो देन कमेंट कीजिएगा मेरे को वो अमाउंट और मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ फॉर टेन्योर 3 ईयर का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SBI और PNB। तो नॉर्मल सिटीजन के लिए 6.10, सीनियर सिटीजन केस में 6.60 और PNB में 6.25 और सीनियर सिटीजन में 6.75। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो PNB में इंक्रीमेंट हुआ है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो आप अगर आप लोग 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली PNB में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉर्मल सिटीजन के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5,99,578 रुपीज यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है, और सीनियर सिटीजन केस में 6,84,97 यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है, और PNB में उसी तरह 6 लाख
2241 रुपीज़ यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है, और सीनियर सिटीजन केस में 611,196 रुपीज़ यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली थर्ड ईयर में आप लोग पीएनबी में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ 10 ईयर 4 ईयर के लिए एसबीआई पीएनबी, नॉर्मल सिटीजन के लिए 6.10, सीनियर सिटीजन केस में 6.60, और पीएनबी में नॉर्मल सिटीजन के लिए 6.10 और सीनियर सिटीजन केस में 6.60। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जो है सेम है फॉर 10 ईयर 4 ईयर। आप लोग कोई भी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसबीआई हो या पीएनबी में हो। ठीक है, तो अगर आप लोग 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉर्मल सिटीजन के लिए 6,36,997 रुपीज़ और सीनियर सिटीजन केस में 6,49,663 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे भी दोनों सेम है। ठीक है, आप लोग कोई भी बैंक में 4 ईयर के लिए आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और अभी मैं बताने जा रहा हूँ 5 ईयर का 10 ईयर के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसबीआई और पीएनबी नॉर्मल सिटीजन के लिए 6.10, सीनियर सिटीजन केस में 6.90। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है फॉर सीनियर सिटीजन केस में। ठीक है, यानी कि 7% के अप्रोक्सीमेटली आप लोग को मिल जाएगा एसबीआई में, और पीएनबी में नॉर्मल सिटीजन के लिए 6.10 और सीनियर सिटीजन केस में 6.90। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चल रहा है फॉर बोथ केस। ठीक है, और अगर आप लोग 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉर्मल सिटीजन के लिए 6,76,752 रुपीज़ यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है आफ्टर 5 ईयर, और सीनियर सिटीजन केस में 7,39,121 रुपीज़ यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, दोनों केस में सेम इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, तो 5 ईयर 10 ईयर के लिए आप लोग कोई भी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इन SBI एंड PNB। ठीक है, और दोनों में सेम इंटरेस्ट रेट आप लोग को मिलने वाला है। तो ये था डिटेल में मैं आप लोग को बता दिया हूँ, और अगर आप लोग अपना स्पेसिफिक अमाउंट के लिए जानना चाहते हो देन यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा वो अमाउंट। ठीक है, अगर आप लोग को क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर मंथली बेसिस पे चाहते हो तो मैं कैलकुलेट करके आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो ये था SBI और PNB का फिक्स डिपॉजिट और मैच्योरिटी कैलकुलेशन फॉर 5 लाख के लिए था। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।